पता नहीं कब आग लग गई माँ। पता माँ एक समय ऐसा था जब पूरी रात बस में करवटें लिया करता था, नींद ही नहीं आती थी। लेकिन अब खाना खाते आंख लग जाती है। तू अकेला ना था जग्या, जो सारी रात जागता था। पर अब तो जैसे सुकून से नींद आती है। मुझे याद है पिछले साल इस वक्त तक पूरी रात तड़पती थी मैं, जैसे शरीर का कोई हिस्सा छिन गया हो मुझसे। पर अब तेरे बापूसा को उठाना पड़ता है मुझे। हाँ, शायद मुझे भी नींद नहीं आने का यही कारण था, आपसे अलग होना, परिवार से अलग होना, अपने गांव से दूर होना। देख, दूध ठंडा हो रहा है। जग्या, औलाद को माँ का कालजा कहते हैं। जब किसी माँ से कालजा दूर हो जाए तो कैसे जिए वो। पर अब तो धनी हो गई हूं मैं, जो तू आ गया है। मेरी दौलत, मेरा कालजा, मेरा जीवन, जैसे सब लौट आया। और इस बार हमेशा के लिए लौटा है, ये वचन है मेरा। उसे कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जिंदगी पूरा एक चक्कर काटती है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही बच्चों को बड़ा होकर अपने माता पिता का बच्चों की तरह ख्याल रखना होता है। मुझे लगता है कि हमारे परिवार में ये समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाऊं। आज तक आप लोगों ने मुझे संभाला है, ख्याल रखा है मेरा, लेकिन अब मेरी बारी है कि आप सबको मैं संभालूं। इस उदासी को इस घर से जाना ही होगा, हमेशा के लिए। आशु मैंने भेजा है। ये गिफ्ट आपके लिए नहीं, मेरे लिए। पहले मैं तैयार नहीं थी, पर अब आप साथ नहीं हैं। शांत, बहुत ही शांति है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एक बार करती हूँ मैं। वाह क्या बात है, लगता है स्पॉन्ज बॉब यहाँ से चला गया। वाह मजा आ जाएगा आज तो। आज की शाम टेलीविजन के नाम। ठीक है। या तुम दोनों शांत रहोगे? मैं टीवी में ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से करो, फिर से करो। अगर इन दोनों को मेरी शाम बिगाड़नी ही है तो इन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे ढूंढ रहे हो? जी वो सफाई करनी थी, लेकिन ना तो झाड़ू मिल रही है कहीं और ना ही पोछा। अरे तो जहाँ कहीं चढ़ो आयो, थारो झाड़ू पोछा सिराने रख के तो ना सोवे कोई। ले तू नहीं रखो ना तो ढूंढ जाके। मैंने ढूंढ लिया हुकुम, कहीं नहीं मिला। पूरी हवेली में ढूंढ लिया। फिर मैंने सोचा कि धूल झाड़ दूं, लेकिन देखा पहले ही किसी ने सफाई कर दी है। हाँ? सफाई तो हो गई पूरी। भारी भड़ी कहीं अपनी हवेली में भूत भूत तो ना घुसा हो। हाँ? भूत? राम 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 राम। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपिस्ते लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे वो देख अपने पीछे आ गया भूत। क्या हुकुम, आपने तो डरा दिया। अरे अब पकड़ा पड़ा पूछो जा से। जी अब तू बता छोरी, क्या जरूरत है तने घर में ये सब साफ सफाई करने की? माँ जी साहब, खाली बैठने में हमारा मन को नहीं लागे। आदत है सुबह सवेरे उठ जाने की, तो उठ गई थी, इसीलिए सोचा सफाई कर दो। अरे पर जगदीश इसलिए लायो तने घर में हैं? हम कोई अपने मेहमान से घर का झाड़ू पोछा थोड़ी ना करावे। माँ जी साहब, मैं तो अपने घर से बाहर कभी गई को नहीं, मने को नहीं पता मेहमान बन के कैसे रहे। लोग हमारा इतना ख्याल रखो, मैंने हथेली पर बिठा रखा है। मैंने थोड़ा अजीब लागे, लेकिन माँ जी साहब घर के कामकाज में हमारा खूब मन लागे। काम करना चाहे ना तू तो ऐसो कर, जे झाड़ू पोछो जे साफ सफाई उस माखन के लिए छोड़ दे। और तू अब पैसे तो सुमित्रा का हाथ बटावे ही तो रसोई में, तब आगे से गहना का हाथ भी बटा दीजो नंद किशोर को संभालने में। जी माँ जी साहब, नंदू ने मैं संभाल लूंगी, मैं रसोई का भी पूरा काम कर दूंगी। थे बस मैंने इतना बता दो कि क्या करना है, कैसे करना है, बस। ठीक है, चलो नाश्ता बनाना है। बावली है छोरी। शिव ने कॉल किया था पर उस समय तो मैं जागी हुई थी, तो सुना कैसे नहीं मैंने। सुनती कैसे? साइलेंट पर जो रख दिया था। ध्यान क्यों नहीं आया मुझे? शिव भी सोच रहे होंगे कि आनंदी फोन क्यों नहीं उठा रही है। पहले तो जानबूझकर उनसे बात नहीं की और अब अनजाने में ये गड़बड़ कर दी। मैं भी ना, अभी उन्हें फोन करती और सबसे पहले माफी मांगती। मौजूद नहीं है। इतने जगह का फोन लगता है, बाहर ही भूल गया शायद। गंगा तू जाकर दे देगी? तेल गर्म हो गया, मैं छौंक तैयार कर लेती हूँ। जी बेबी माँ, फोन टूट गया हमारे से। मैंने माफ कर दिया डॉक्टर साहब, देखा को नहीं। गंगा फोन टूटा नहीं है, इसका बैटरी बना दो टुकड़ा हो गया। माफ कर दो, मैंने देखा को नहीं, पता नहीं ध्यान कटे था हमारा, मैंने देखा नहीं। मैंने माफ कर दो डॉक्टर साहब, मुझ के को नहीं किया। तुम बेकारी माफी मांग रही हो। ये देखो, देख को नहीं रही थी और फोन टूट गया। ये देखो शुरू हो गया। शुरू हो गया। तुम बेकार ही परेशान हो रही थी। क्या हुआ? बेसन घोल रही थी ना पकौड़ा के लिए।